की यूएसए हॉनर ऑफ डॉक्टरेट अवार्ड भी दिया जा रहा है कुछ लोगों को। और शाम को हमारा शो है इस साल का सबसे बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड शो, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स डीपीआईए इंटरनेशनल 27 जुलाई को दुबई की धरती में धमाल। तो दुबई की धरती में धमाल करने के लिए तो आप तैयार हैं, लेकिन दादा साहब फाल्के के अवार्ड के नाम से ये पहला इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि बाहर हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, अभी भी वही सम्मान है दादा साहब फाल्के के लिए? आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन हमने पूछा है। पिछले साल जब मैं दादा साहेब फाल्के जी का जब मैं शो कर रहा था तो मुकेश भट्ट जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है वो हमारे स्टेज पे एक बात बोला, जो कल्याण जी तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम है, मुझे लगता है हमसे कुछ चूक हो गया, कुछ भूल हो गया, इसलिए बोला है वो। तो दादा साहेब फाल्के जो है हमारा बॉलीवुड का जन्मदाता है, लेकिन उनके नाम का 108-109 साल हो गया हमने बॉलीवुड को, उसके नाम का किसी भी स्टेट पे उसका स्टैचू नहीं है। मैडम पहली बार डीपीआईए ने निर्णय लिया है, माननीय श्री हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार के पुरुषोत्तम रूपाला साहब का आशीर्वाद, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब के आशीर्वाद और हमारे जो गोपाल शेट्टी साहब जो हमारे एमपी है उनके आशीर्वाद से, बीएन तिवारी जी जो एफडब्ल्यूआईसी के जो प्रेसिडेंट है और साथ में हमारे रामदास आठवले साहब के आशीर्वाद से बहुत जल्द 109 साल के बाद इतिहास में पहली बार बांद्रा वेस्ट में 15 फुट का दादा साहेब फाल्के का स्टैचू लगने जा रहा है, ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के जी का भंडारा चलता था जब उसने पहला फिल्म शुरू किया राजा हरिश्चंद्र 1913 में, तब लोग काम नहीं करते थे फिल्म लाइन में, लेकिन उन्होंने काम लेके आके उनको बुला के उनको खाना खिलाया, घर से बना खिला के उनको काम करा देते। इसके लिए हमने लॉकडाउन में 2.5 साल वो तमाम जो कलाकार जिस कलाकार के घर में अनाज नहीं था उस घर तक हमने अनाज का बंदोबस्त किया। अंधेरी आदर्श नगर में 1 साल हर रोज 12 बजे हमने भंडारा चलाया उस कलाकार के लिए। और इसके अलावा दादा साहेब फाल्के जी जो फिल्म लाइन शुरू किया था, लेकिन वो फिल्म लाइन आज नहीं है। आज वेब सीरीज के माध्यम से जिस तरीके से आज एक एक फिल्म आ रहा है उसको पूरी फैमिली देख नहीं सकता है बैठ के। क्या यही हमारा फिल्म इंडस्ट्री है? क्या यही दादा साहेब फाल्के जी जो 1913 में फिल्म बनाया था राजा हरिश्चंद्र, क्या उसी लिए फिल्म इंडस्ट्री बना दी? एक दिन वो फिल्म इंडस्ट्री इतनी गंदगी में आ जाएगा, उसके लिए भी मैंने लिखा है बहुत सारे मिनिस्टर को। दादा साहेब फाल्के जी को आप तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला? सबसे ज्यादा टैक्स हमारे बॉलीवुड से आता है, लेकिन उसको भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं मिला? ये भी हमने लिखा है।